नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कमाल करती दिख रही है। यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता दिख रहा है। तमिलनाडु और केरल में पहली बार कमल खिलता नजर आ रहा है, तो वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 5 से 7 सीटें जीतती दिख रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो सकती है। पार्टी 26 से 29 सीटें जीतकर आ सकती है। इसके अलावा न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है, इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। इसके साथ ही बीजेपी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी खुशखबरी मिल सकती है। तो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और तीसरी बार लौट रही है मोदी सरकार। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सरकार की हैट्रिक लग रही है और एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान जताया गया है। इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटों का अनुमान है। तो ये एग्जिट पोल में क्या है न्यूज 18 के, वो हम आपको बता रहे हैं कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करें तो 26 से 29 सीटें अगर देखा जाए बीजेपी को, कांग्रेस 3 पर सिमट सकती है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शायद एक ही सीट है जिस पर कांग्रेस सिमट सकती है और 28 सीटें, जैसा कि इससे पहले के चुनाव में हुआ था 2019 की अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। महज एक छिंदवाड़ा सीट थी जहां से नकुलनाथ मैदान में थे, वो उन्होंने जीत हासिल की थी। और छत्तीसगढ़ का भी कुछ यही हाल नजर आ रहा है। तो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की हैट्रिक में 2019 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। बीजेपी को 305 से 315 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की हैट्रिक और तीसरी बार मोदी सरकार, एनडीए का 355 से 370 सीट का अनुमान है, तो बीजेपी को अकेले 305 से 315 सीट का अनुमान है, इंडिया को 125 से 140 सीट का अनुमान है और कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 26 से 29 सीटों का अनुमान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीटों का अनुमान है। तो ये सीट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि वोट प्रतिशत क्या होंगे और कितने बढ़े कितने घटे। तो एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का बयान आ गया है, उन्होंने कहा है कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट जीत रही है, लेकिन उससे पहले एक नजर आप इस पर भी डालिए जो ये आप देख रहे हैं न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है। इसमें अगर पूरे देश को मिलाएं, पूरे देश की बात करें तो 355 से 370 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं और साथ ही अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के लिए भी आप देख लीजिए 125 से 140 और अदर्स के लिए 42 से 52 सीटें जो है अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कितने तब्दील होने वाले हैं ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इस पर नजर डालिए जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें तो ये है कि बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और तीसरी बार मोदी सरकार। हालांकि 400 पार का नारा काफी ज्यादा बुलंद हुआ था, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल अब तक दिखा रही है उनमें देखिए आप 355 से 370 पर जो एनडीए है वो नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 125 से 140 और साथ ही अदर्स। अब थोड़ा मध्य प्रदेश की ओर भी आप ध्यान दे लीजिए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 26 से 29 सीटें, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 28 सीटें भी बीजेपी ला सकती है मध्य प्रदेश में और एक सीट जो है वो रह सकती है, कांग्रेस सिमट सकती है एक सीट पर। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 9 से 11 सीटें, 11 कुल विधानसभा लोकसभा की जो कुल सीटें हैं
वो 11 है छत्तीसगढ़ में और 9 सीटें ठीक ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो कि 2019 के चुनाव में नतीजे आए थे। अभी अनुमान भी यही दिख रहे हैं, 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस सिमट सकती है, लेकिन वो कौन सी सीटें होंगी ये 4 जून को पता चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तो रुझानों में बल्ले बल्ले है और ऐसे में जो अनुमान जताया जा रहा है और जो मेगा एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल्स के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है और साथ ही पूरे देश की अगर बात करें तो फिलहाल मेगा एग्जिट पोल में क्या आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और अनिल सिंह चौहान जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अजय धवले जी भी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता हैं, और जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जो कि मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे कि कितने जो है वो इससे इत्तेफाक रखते हैं जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ सतीश एलिया जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं सतीश जी की ओर रुख करूंगी। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सतीश जी एग्जिट पोल्स के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए एग्जिट पोल जो हैं लगभग सारे एग्जिट पोल एक ही बात कह रहे हैं और उसमें बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी जी की फिर से ताजपोशी होने वाली है, तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये बात लगभग पहले से ही ये बहुत दिख रही थी साफ तौर पर, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी धरातल पर कहीं दिख नहीं रही थी, कोई नाराजगी नहीं दिख रही थी, तो ये बहुत साफ लग रहा था कि उनकी वापसी होगी। और उन्होंने जो गारंटी शब्द बोला था कि मोदी की गारंटी, वो एक तरह से क्लिक कर गया जनता को, और लगभग अभी तक का उनका जो कामकाज है 10 सालों का वो उसको अगर हम तटस्थ होकर देखें तो वो काफी बेहतर है जो वो कहते हैं, वो उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर करके दिखाया। इस बार तो जनता में बहुत सा काम हुआ। फैक्टर आपको लग रहा है कि 2019 के मुकाबले और भी ज्यादा जो है काम करने वाला एक तरह से? नहीं, देखिए दो चीजें होती है चुनाव में, दूसरा पक्ष भी होता है। तो मोदी के खिलाफ जो गैर भाजपावाद या गैर मोदीवाद का जो मोर्चा एक बना जिसको अपन इंडिया कह रहे हैं या इंडिया अलायंस जो है उसकी शुरुआत की थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मतलब उसकी अगुवाई की थी, वो जगह जगह गए थे। उस अलायंस के जो शुरुआत के ध्वजवाहक थे नीतीश कुमार, वही मोदी के साथ चले गए, तो आप समझ लीजिए उस, और उसका जो दूसरा बड़ा पार्ट है ममता बनर्जी थी, उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी अपने यहाँ। आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, पंजाब में उन्होंने एक भी सीट नहीं दी, अलबत्ता कांग्रेस ने दिल्ली में भी दे दी, हरियाणा में भी दे दी, गोवा में भी दे दी, मिला जुला कहे तो यहाँ इंडिया गठबंधन थोड़ी कंफ्यूज भी नजर आई है। वो हम उसको कह जरूर रहे हैं उसको एनडीए के सामने इंडिया अलायंस, लेकिन वो असल में एनडीए के सामने उस तरह से एकजुट गठबंधन सातों चरण में नहीं रहा। इस पर चर्चा करेंगे, कुछ जगह है जैसे यूपी में, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की 9 सीटें रुझान जो अनुमान जो जताया जा रहा है अनुमान में एग्जिट पोल्स में 9 सीटें बीजेपी को जाती नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत नया है, 2019 में तो इतनी आई ही थी और 2014 में ये 10 सीटें थी और उसके पहले भी। मैं आपको बता दूं थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के परिस्थितियों में, 1996 के बाद से उसमें बहुत सारे मध्यावधि चुनाव भी लोकसभा के हुए हैं और 5 साल चुनाव भी हुए हैं, तो चाहे मध्यावधि चुनाव हुए हो जब लंगड़ी सरकार हुआ करती थी, और ये चुनाव सारे चुनाव में सौभाग्य से और जो हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी है, जो हमारा कार्यकर्ताओं का जो पिरामिड बना हुआ है, सारे में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमेशा से 10 सीटें 9 सीटें 8 सीटें, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब अटल जी ने कहा था कि आप मुझे 11 की 11 सीटें दे दीजिए, हम आपको राज्य देंगे। उस सप्रे स्कूल के रायपुर के सभा मैदान में जनता ने सुना और 8 सीटें दी थी। उस समय छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, चाहे सारंगढ़ हो या यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हो या कहीं अंबिकापुर का क्षेत्र, पूरे मैदानी और पहाड़ी इलाके बस्तर मिला के छत्तीसगढ़ में उस समय 8 सीटें दी और अटल जी ने राज्य बनाया। तो इसी प्रकार से उसके पहले से 94 से लेकर आज तक तो जनता जनार्दन हमेशा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहती है। मैं अनिल जी से एक बार पूछ लेती हूँ, अनिल जी जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें तो छत्तीसगढ़ में 2 पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि इससे ज्यादा सीटें भी आ सकती है? निश्चित रूप से अंशिका जी, इससे ज्यादा सीटें आएंगी
और इस एग्जिट पोल और चेक पोल में बहुत अंतर होगा। एग्जिट पोल की जहां तक बात है, आप देख लीजिए विधानसभा चुनाव में जो विगत विधानसभा चुनाव हुए उसमें सारे एग्जिट पोल्स ने हमारी सरकार बनाई, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 55 सीटों के साथ, तो देखिए 54 सीटों के साथ। तो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल में जो आए वही हो। हाँ, अति उत्साही जो गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार हैं वो जरूर इसको बहुत उत्साह से ले रहे हैं, वो ये कमियां भी नहीं बताते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री ने 10 सालों का अपना कार्यकाल नहीं गिनाया, प्लेइंग लेवल भी नहीं होने दिया, पार्टियों के खाते सीज किए, कई पार्टियों को तोड़ने का काम किया, सांसदों विधायकों की मंडी लगा दी, ईडी आईटी को शूटर्स की तरह इस्तेमाल करके चंदा लिया, दूसरे दलों को चंदा नहीं लेने दिया, जिस गाय के नाम पर राजनीति करते हैं उन गौमांस निर्यातकों तक से चंदा लिया, और मंगल सूत्र और हिंदू मुसलमान और हर तरह से पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री की भाषा इतनी अमर्यादित और अलोकतांत्रिक हुई। तो जो नफरती और जो कहना चाहिए अलगाववादी भाषण उन्होंने दिए वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, हर प्रकार से उन्होंने गंदगी करने का प्रयास किया और डिवाइड एंड रूल का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इस देश की जनता, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, और आप देखिएगा कि जब स्पष्ट इग्जेक्ट जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपका कहना है कि जो एग्जिट पोल्स में आए हैं उससे हटकर एग्जैक्ट पोल्स में जो सीटें हैं वो कांग्रेस को जाती हुई नजर आएंगी। ठीक है, मैं आपसे मुद्दों पर भी चर्चा करूंगी। अजय धवले जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय जी, मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, वापस से 28 सीटें या पूरी 29? मध्य प्रदेश में वापस से 28 नहीं, मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है, और क्यों जीतने जा रही है ये स्पष्ट है कि विगत 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण और जन कल्याण के जनाकांक्षाओं का जो सम्मान किया है, निश्चित रूप से उसको इस बार जनता ने जनादेश दिया है। रही बात कांग्रेस की, तो मैं अभी छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, हताशा निराशा का एक अपना दौर होता है, कांग्रेस को उससे उभरना पड़ेगा, कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को अगर कम्पीट करना है तो वास्तविक मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। आज भाजपा ने जनहित के मुद्दों को ना सिर्फ उठाया बल्कि जनहित के मुद्दों की राजनीति के माध्यम से देश की राजनीति में बदलाव लाया, भारत की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, तो उसमें भारतीयों का योगदान है। हम अन्य देशों का तुलनात्मक रूप से आज जहां खड़े हैं ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में है कि जब एक भारतीय है उसको विश्व में भी मान सम्मान मिल रहा है। तो जब यह देश की जनता देखती है, और एक सामने कौन खड़ा है, सामने एक ऐसा आइडियोलॉजिकल डायलेमा फंसा हुआ गठबंधन है, सतीश जी ने बहुत अच्छे से लैबोरेट किया कि जो एक राज्य में तो साथ में, दूसरे में विरोध में लड़ रहे हैं, तीसरे में उनका आइडियोलॉजिकल गठबंधन ये बाहर से समर्थन है। जब आपका वैचारिक दुविधापन आपको देश की जनता के समक्ष प्रदर्शित करना है तो मुझे लगता है ऐसे गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप सिंगल सिंगल भी लड़ लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने ठीक है भानुमति का कुंभा जोड़ा, आपको लगा कि एनडीए को हराना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एकमात्र चेहरा है जिसको हराने की आवश्यकता, उससे कांग्रेस कहीं उभर जाएगी, इसलिए जो ये यूटर्न पॉलिटिक्स। ये तो 4 जून को भी, ये इसका जवाब तो 4 जून को भी शायद मुझे लगता है हर किसी को मिल ही जाएगा कि कौन किसके साथ आया तो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, छिंदवाड़ा जो कि अभेद किला है और कांग्रेस यहाँ हमेशा से जीतती आई है, इस बार तो जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांटे की टक्कर लग रही है दोनों कैंडिडेट्स में। नहीं, देखिए बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है छिंदवाड़ा में। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां ये बताते हैं कि मेरे जाने से इस लोकसभा में विजय प्राप्त हुई है। आप ये देखिए 2014 में छिंदवाड़ा नहीं आए प्रधानमंत्री, 2019 में नहीं आए, और 2024 में भी प्रधानमंत्री छिंदवाड़ा नहीं गए, क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम था कि छिंदवाड़ा जितना मुश्किल है। अब अजय धवले जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन असलियत जो है, हाँ, एग्जिट पोल में भी एक सीट कांग्रेस को जाती लग रही है, तो आपको लग रहा है छिंदवाड़ा तो कंफर्म होगी कि छिंदवाड़ा में हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हर दम चाहे 14 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें, प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे लाखों प्रयासों के बावजूद। अब सवाल एग्जिट पोल का, देखिए एग्जिट पोल अलग है और एग्जिट पोल अलग है। हमने मेहनत की है, हमने जनता का आशीर्वाद देखा है, हमारे कार्यकर्ता लगातार वहां पर जो फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर हम इस सर्वे को असहमत होते हैं इसको मानने से, क्योंकि ये जो सतीश जी अभी कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी धरातल पर नहीं दिखी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि एंटी इनकम्बेंसी अगर धरातल पर नहीं दिखी तो कौन सी दृष्टि से देखा गया। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा था इस देश में, अगर वो धरातल पर नहीं है, घर घर में पूछ लीजिए जाके महंगा सामान हुआ कि नहीं हुआ, चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ, महीना चलाना। सतीश जी, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी तो एग्जिट पोल में जो आए वही एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुए थे,
सब शॉक्ड हो गए थे, इस बार भी लग रहा है वही ट्रेंड होगा। देखिए बहुत साफ बात है, ये सही कह रहे हैं, मुद्दे तो हैं, बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन जो इंडिया अलायंस है या कांग्रेस की जो लीडरशिप है और उनका जो कैंपेन है, वो लोगों को उस मुद्दे को उतनी तरीके से उठा पाए क्या और लोग उसके साथ जुड़ पाए क्या, ये सवाल है। जैसे अभी गोदी मीडिया शब्द कहा, राहुल गांधी का जो लगातार एक प्रेस को लेकर या सर्वे एजेंसी को लेकर जो नकारात्मक बात है या प्रधानमंत्री को लेकर जो उनका जो अंदाज है, अंदाजे बयां है, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी, आप यकीन करिए कि आप किसी पड़ोस के घर में यदि कोई बच्चा किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान करता है, भले वो उसके घर का मामला हो, लोगों को समाज में अच्छा नहीं लगता तो है। जब वो प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा न्यूज 18 से, जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा था कि मैं तो गाली खा खा कर पैदा हुआ, मुझे तो एनर्जी मिलती है जब विपक्षी गाली देते हैं। जनता से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जनता से आती है, और अगर जब अभद्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं आप, तो जनता से उतना आपको समर्थन कम मिलने लगता है। कांग्रेस को रियलिटी समझनी पड़ेगी कि गठबंधन किस तरह का हो। यूपीए गठबंधन भी तो जीता था बीजेपी को हरा के, लगातार दो चुनाव जीता था, लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो बना आपका, वो यूपीए जैसा गठबंधन नहीं है, ये साफ था और उसका नतीजा सामने है। मुद्दे भी हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी, और भी कई सारे मुद्दे होंगे। निश्चित रूप से जो सरकार 10 साल से काम कर रही है उसके खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, जितेंद्र जी इस काम को जरूर आपको ये मानना पड़ेगा कि जब भी इंडिया गठबंधन की कोई रैली या कुछ भी होती थी तो उस वक्त आप लोग ये चीजें नहीं उठाए। सरकार के खिलाफ हो, इस सरकार की कमी हो और उसको हम घर घर तक ना पहुंचा पाए तो ये बात तो समझ में आती है। महंगाई को घर घर तक पहुंचाने में किसने कसर रख दी, महंगाई तो खुद घर में पहुंच गई। बेरोजगारी को कोई हमें पहुंचाए या ना पहुंचाए इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, वो पूरा नहीं हुआ, ये सबको दिख रहा था। आपने 35-40 रुपए में पेट्रोल बात बेचने की बात की अच्छा थी। चुनाव से पहले आपने देखा कई बड़े कांग्रेस के नेता ने बीजेपी ज्वाइन की, अब सारे नेताओं से आप लोगों की बातचीत है ना, कोई नाराज तो नहीं है, ये कंफर्म कर लीजिए। नहीं देखिए, नाराजगी तो सवाल ही नहीं उठता। जो लोगों को ले गए छिंदवाड़ा में चुनाव जीतने के लिए, उन्होंने लौट के कांग्रेस में आके कांग्रेस के लिए वोट मांगे और कहा भारतीय जनता पार्टी हमें दबाव डाल के ले गई। ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं। अभी एक विधायक को इन्होंने कुछ गमछा पहनाया, उन्होंने कहा हम हंसी मजाक में चले गए थे, वो आए इन लोगों ने धोखे से हमें गमछा पहना दिया। राजीव जी, ठीक है राजीव जी, महतारी बंधन योजना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है छत्तीसगढ़ में। महिलाओं के लिए बहुत जोश है, लगभग 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और आगे भी लाभान्वित हो। तो महिलाओं की सुरक्षा भी एक मुद्दा है, और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की आवाज दिया करती थी, उस आवाज को रोक दिया था भूपेश बघेल जी की सरकार ने। तो देखिए ये जो वातावरण है, जो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग चले गए या क्यों चले गए, देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना है, चाहे सैन्य उद्योग की बात हो, ध्रुव चीता हेलीकॉप्टर आज विदेशों में निर्यात हो रहा है। एक समय था जब हम बोलते थे कि अमेरिका से रूस से कि हमको टेक्नोलॉजी दे दो, हमको निर्यात, हम निर्यात करते थे रक्षा उत्पाद। और महंगाई और बेरोजगारी की बात है, तो बेरोजगारी के एवज में अगर 45,000 करोड़ रुपए शिशु लोन बांटे गए, तो रोजगार की बातें की जा रही है। हम केवल सरकारी उद्यम में ही नौकरी करें, इस बात से अलग हटके अगर उद्यम की ओर युवा जा रहा है तो युवा वर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो सोचते हैं, तो जो जमीन की नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ते हैं, जो जमीनी नेतागिरी करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनको लगता है कि आज पूरे देश में एक वातावरण, एक जो मैसेज है वो युवाओं का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो बुजुर्ग है उनकी, वो देखते हैं इतिहास को और आज को जो पलटते हैं, जो पिछले 30-40 साल के सार्वजनिक जीवन को देखते हैं, ये 10 साल की सरकार में एक दाग नहीं लगता। आऊंगी दोबारा आपके पास। अजय जी, सवाल ये है कि 75% छिंदवाड़ा की मैं बात कर रही हूँ, 75% तो ग्रामीण वोटर्स ऐसे हैं जो काफी एक्टिव नजर आए थे चुनाव के समय में भी, और 25% शहरी वोटर्स है कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि छिंदवाड़ा के लिए क्या फैसला वोटरों ने किया होगा, और छिंदवाड़ा में कोई क्या कोई मुकाबला आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी अंशिका जी, जैसे कि छिंदवाड़ा को एक परिवार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस परिवार की
दिक्कत यह देखिए कि छिंदवाड़ा छोड़ के ना उनके सांसद पुत्र ना पिताजी जो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो किसी अन्य सीट पे जाएं, तो ये छिंदवाड़ा की कांग्रेस है, वो AICC से अलग कांग्रेस है, ये अपना अलग चुनाव लड़ते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याण के और ये छिंदवाड़ा जो था ये भारतीय जनता पार्टी के हितग्राहियों का गढ़ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर हितग्राही किसी लोकसभा क्षेत्र में तो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में, और निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं कि छिंदवाड़ा के लाभार्थी। एग्जिट पोल है, लेकिन देखना होगा कि एग्जैक्ट पोल में क्या आएंगे और एग्जैक्ट नतीजे क्या होंगे, 4 जून तक का इंतजार करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी एग्जिट पोल पर, और ये मेगा एग्जिट पोल जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कहां कितनी सीटें किसको जाती हुई नजर आ रही हैं, जो अनुमान है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए News18 के साथ।